गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 12C। विच वन एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 12C। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 12 केजी ऑफ राइस कॉस्ट इज ₹696, देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 17 केजी ऑफ राइस। दीज टाइप्स ऑफ सम यू कैन डू, यू कैन डन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। आपके पास 12 केजी राइस की कॉस्ट दी हुई है, आपने 7 केजी की निकालनी है। हम तभी किसी चीज़ की कॉस्ट निकालते हैं जब हमें एक चीज़ की कॉस्ट पता हो। आगे हम तभी ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट निकाल सकते हैं ना, हमें एक की तो पता हो। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक चीज़ की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मीन्स आपको 12 केजी राइस की कॉस्ट दी हुई है, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द 1 केजी राइस ऑफ कॉस्ट। क्लियर? सो व्हाट वी विल राइट, कॉस्ट ऑफ 12 केजी राइस कितनी है? कॉस्ट ऑफ 12 केजी राइस ₹696। सो व्हाट यू विल डू, आपको 1 की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस, 1 केजी की कितनी होगी? 696 डिवाइड बाय 12। फिर हमने निकालनी कितने की है? 17 केजी। क्लियर? कॉस्ट ऑफ 17 केजी, देन व्हाट यू विल राइट, दिस वन मल्टीप्लाई 17। क्लियर? इसके बाद क्या करोगे, कटिंग कर दोगे। जब आप इसको कट करोगे, किस पे कट करेगा? 12 वन सा 12, 12 फाइव सा 16, 9, 12 एट सा 96। जब आप 58 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 986 रुपीज। दिस वन द कॉस्ट ऑफ 17 केजी राइस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इफ 750 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोवाइड्स, इतना प्रोटीन प्रोवाइड करता है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन डज 100 ग्राम ऑफ मिल्क। तो 100 ग्राम में कितना करेगा, कैसे करोगे? सेम है, इतने में इतना प्रोटीन है, 1 में कितना होगा डिवाइड बाय दिस, एंड 100 ग्राम में कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली यू विल डू क्वेश्चन नंबर टू। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज 1 dozen, हाउ मेनी मैंगोज इन 1 dozen? 12। इन 1 dozen मैंगोज वेट, मैंगोज का वेट इतना है, हाउ मेनी मैंगोज विल वेट 11.2 kg वेट। कितने मैंगोज का वेट 11.2 kg होगा? क्लियर? सो व्हाट यू विल डू, अब हमने मैंगोज निकालनी है, तो क्या लिखो, वेट ऑफ 4.8 kg मैंगोज कितना है, कितना 4.8 kg वेट ऑफ 4.8 kg मैंगोज, कितने मैंगोज का वेट है? 1 dozen मीन्स 12 मैंगोज का। क्लियर? वेट ऑफ 4.8 किलोग्राम मैंगोज किसके इक्वल है? 12 मैंगोज के इक्वल है। सॉरी बच्चे, यू विल राइट लाइक दैट, नंबर ऑफ मैंगोज वेट 4.8 kg, कि 4.8 kg में कितने मैंगोज आ रहे हैं? 12। नंबर ऑफ मैंगोज वेट 1 kg, 1 kg में कितने होंगे? 12 बाय 4.8 kg। सो नंबर ऑफ मैंगोज एक, उसने बोला 11.2 kg में कितने होंगे मैंगोज, मल्टीप्लाई 11 बाय 2। क्लियर? हमने नंबर ऑफ मैंगोज निकालने हैं ना, सो यू विल राइट लाइक दैट। After that you will cut, 12 point cancel, 12 1 is 12, 12 4 is 48, इसको कटिंग कर लो, 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 8 is 32, so number of mangoes you have 28, this one your answer, clear? Now question number 4, बच्चे question number 4 में क्या है, अ कार कैन कवर डिस्टेंस 330 किलोमीटर ऑन 25 लीटर पेट्रोल। 25 लीटर पेट्रोल से वो इतना डिस्टेंस कवर करती है, हाउ कैन फार इट ट्रेवल ऑन 17 लीटर पेट्रोल। तो 17 लीटर पेट्रोल से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्लियर? सो यू विल राइट लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस कवर by 25 liter petrol, 25 liter petrol से उसने कितना distance cover किया है? 330 किलोमीटर। कितना distance cover किया है? 330 किलोमीटर। Okay, distance cover उसने 25
5 लीटर पेट्रोल से इतना दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीटर पेट्रोल से वो कितना करेगा 330/25। तो उसने कितने लीटर में पूछा है 70 लीटर में, तो 70 लीटर में वो कितना डिस्टेंस करेगा 330/25 × 70। इसके बाद ओनली कैलकुलेशन पार्ट इज लेफ्ट, यू विल डू कैलकुलेट योरसेल्फ। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज इफ 29 वर्कर्स वर पेड, इतने रुपीज उसको मिलते हैं 29 वर्कर्स को, हाउ मेनी वर्कर्स कैन पेड विद, इतने रुपीज कितने वर्कर्स को मिलेंगे। क्लियर? सो सिमिलरली यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ पाइप कैन फिल 4 वाटर टैंक इन, इतने टाइम में वो 4 वाटर टैंक को फिल करती है। तो कहते 7 ऐसे 7 टैंक्स कितने टाइम में पाइप फिल करेगी। क्लियर? सो टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल 4 टैंक्स, 4 टैंक्स को फिल करने में कितना टाइम ले रही है 2 आवर्स 20 मिनट्स। टाइम टेकन बाय टू बाय पाइप टू फिल द 1 टैंक, 1 टैंक कितने में फिल होएगा 2 आवर्स 20 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लो मिनट्स में, अदरवाइज अगर ये ऐसे ही रहने देना तो ऐसे ही लिख लो। क्लियर? बाय 4। क्लियर? ओके, उसने कितने में पूछा है, कितने टैंक्स को फिल करना है 7 टैंक्स, कितने टैंक्स को फिल करना है 7 टैंक्स। टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द 7 टैंक्स, हाउ यू विल राइट 2 आवर्स 20 मिनट्स डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 यू विल राइट लाइक दैट, यस 2 आवर्स 20 मिनट्स डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? अब इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 2 आवर्स में कितने, 1 आवर में 60 मिनट्स, 2 आवर में 220 प्लस 20 140। क्लियर? 140 मिनट्स डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 7। अब इसकी कटिंग कर लो, यस 4 वन का 4, 4 थ्री का 12, 2 4 5 का 20, यस 35 मल्टीप्लाई 7 इज 245 मिनट्स, यू गेट 245 मिनट्स। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में, सो क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास आवर्स था तो योर आंसर इज ऑल्सो इन द पैटर्न ऑफ आवर्स, आवर्स एंड मिनट फॉर्म। सो व्हाट यू विल डू, डिवाइड बाय 60, यू विल गेट 6 4 24, सो 4 आवर्स कितने मिनट्स आ जाएगा 4 आवर्स 5 मिनट्स। क्लियर? दिस वन इज योर आंसर। क्या आंसर आया है, 4 आवर्स 5 मिनट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक्सचेंज रेट ऑफ सर्टेन फॉरेन करेंसी विद इंडियन रुपीस इज दिस, इंडियन आपके पास जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं विद इंडिया रुपीस, एक रुपए में इंडिया के विद इंडियन रुपीस, इतने रुपीस में आपके पास फॉरेन करेंसी कितनी आ रही है 1। जो आपके पास फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी कोई मेंशन नहीं की हुई कौन सी फॉरेन कंट्री की है, डॉलर है या फिर कुछ भी जैसे होते हैं ना फॉरेन के, तो वो इंडिया के इतने रुपीस के इक्वल है। कहते फॉरेन करेंसी कितने, मतलब डॉलर या कुछ भी कितने वो लूँ कि मैं इंडिया के इतने रुपीस बन जाएं। क्लियर? इसको आप क्वेश्चन को वो प्रपोर्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। हाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस वन था फॉरेन करेंसी रेशियो, दिस वन था इंडियन करेंसी, किसके इक्वल है फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी। क्लियर? सो आपके पास फर्स्ट जो फॉरेन करेंसी 1 किसके इक्वल है, इंडिया के कितने रुपीस के इक्वल है 50.14। सिमिलरली इधर फॉरेन करेंसी हमें देनी हुई कि कितनी फॉरेन करेंसी लूं मैं तो इंडिया के कितने रुपीस बन जाए, दिस वन 10,028। सो व्हाट यू विल डू, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यू कैन दिस फॉर्मूला अप्लाई दिस फॉर्मूला आल्सो। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आ जाएगा, क्लियर। जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके इसका चेक कर लेना, यू गेट द आंसर। ओनली कैलकुलेशन पार्ट इज लेफ्ट, यू विल डू योरसेल्फ, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे 6.5 मीटर हाई फ्लैग स्टाफ कास्ट अ शैडो। 6.5 मीटर में कितने मीटर की लंबी शैडो बन रही है, 9 मीटर की। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग विच कास्ट अ शैडो। तो आपने यहाँ पे कितना वो करें सेम टाइम में कि आपके पास शैडो इतनी बन जाए, क्लियर। दिस वन क्वेश्चन यू विल डू सेम लाइक एज जैसे हमने नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चंस किए हैं कि इतने मीटर में 9 मीटर में इतनी शैडो बन रही है, 1 मीटर में कितनी बनेगी, 22.5 में कितनी बनेगी, कैसे लिखोगे, यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, इफ अ जेट प्लेन फ्लाइज इतने किलोमीटर 3 आवर्स में करता है, व्हाट डिस्टेंस वुड इट कवर इन 5 × 1/2 आवर्स। तो वो 5 × 1/2 आवर्स में कितना कवर करेगा, क्लियर। यू विल राइट A jet plane flies in 3 hours. Flies in 3 hours. 3 hours में कितना fly करता है? 2700 किलोमीटर. Clear? तो फिर वो 1 hour में कितना करेगा? Jet plane flies in 1 hour. 1 hour में वो कितना करेगा? 2700 डिवाइड बाय 3, तो वो 5 × 1/2, सॉरी अ जेट प्लेन फ्लाइज इन 5 × 1/2 आवर्स, इतने आवर्स में कितना कवर करेगा, 2700 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 × 1/2, क्लियर। इसको सॉल्व कर लो, 2700 डिवाइड बाय 3, जब इसको सॉल्व करोगे 5 × 10, 10 + 1, 11/2, कटिंग करो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, दिस वन 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 5 × 4 = 450। जब आप 450 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से, 4/50 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से, यू विल गेट 4950। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4950 किलोमीटर, क्लियर। बच्चे इन दिस क्वेश्चन आपके पास मान लो 5 की जो भी कोर्स दी हुई है आपने 7 की निकालनी है, तो पहले आपने 5 से कहाँ पे आना है, 1 पे आना है। जब आपने 5 से 1 पे आना है तो कैसे आना है, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। 1 के बाद जब आपने 7 पे जाना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहले आपके पास 3 आवर्स की दी हुई थी, मैंने बोला पहले आपने 1 पे आना है, 1 पे आना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, डिवीजन। फिर आपने 1 से जितने की उसने पूछी है वहां पे जाना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल यूज टू ऑपरेशन दैट इज द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फर्स्टली यू विल अप्लाई डिवीजन, आफ्टर दैट यू विल अप्लाई मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। सबसे पहले आपने याद रखना 1 की कॉस निकालनी है, आफ्टर दैट जितने की उसने पूछी है उतने की कॉस निकालोगे, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ 54 मैन कैन फिनिश द वर्क 49 डेज, अगर 54 मैन 49 डेज में काम फिनिश करते हैं तो कितने मैन 42 डेज में फिनिश करेंगे। सेम दिस क्वेश्चन यू विल डू कि 49 डेज में जो वर्क फिनिश हो रहा है कितने मैन के द्वारा हो रहा है, 54। 1 डे में कितने का होगा, मैंने बोला हमेशा पहले 1 डे का निकालना है, ठीक है। 1 का कितना होगा, तो 54 डिवाइड बाई 49, तो 42 में कितने का होगा, क्लियर, मल्टीप्लाई 42। सेम क्वेश्चन 11 है, इफ 12 मैन कैन रीप अ फील्ड ऑफ 8 डेज, 8 डेज में फील्ड की रीप कर रहे हैं तो 16 मैन कितने, हाउ मेनी डेज, कितने डेज में करेंगे 16 मैन, क्लियर। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरी बच्चे, देन यू कैन आस्क मी बाय द व्हाट्सएप ग्रुप।
Keep in your mind, in this exercise, you will apply only two operations, that is the multiplication and the division. Firstly, you will do division, after that you will do multiplication. याद रखना, पहले आपने हमेशा जितने के कोर्स दिए हुए उसने वन पे आना है, वन के बाद आपने जितने की उसने पूछा है उस पे जाओगे. क्लियर? ओके. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी बाय द व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.